नमस्कार, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सरकार के बारे में, इस शासन के बारे में कि कैसे ये सिर्फ जुमले की ऐसी सरकार है जो तरह तरह के जुमले देकर लोगों को जाल में फंसाती रही है, लेकिन अब ये जाल स्वयं उसके ऊपर पड़ गया है, जाल में फंसती नजर आ गई है आ रही है सरकार। एक बड़ा जुमला इस सरकार का था कि वो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर देगी। सवाल यह है कि एक बात हो तो कोई कहे, यहां तो जहां उठाओ वहीं भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। अब रफाल का मामला है, रफाल कहते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने को तैयार है संसद को, जनता को बताने को नहीं तैयार है। अरे भाई, आप जनता को आप शेयर नहीं करते, जनता के सामने इन चीजों को नहीं रखते, तो आपको कैसे माना जाएगा कि आपकी ये डील फेयर है? और कमाल की बात है, पहले ही रफाल पर ये सरकार बेपर्दा हो चुकी थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि पूरी तरह नंगा कर दिया है अभी हिंदू अखबार का एक बड़ा लेख, एक ऐसा लेख जो शोधपरक है, जो तथ्यों पर आधारित है। इस बारे में, रफाल के बारे में न जाने कितनी स्टोरी जब तक आ चुकी हैं तमाम मैगजीन्स में, तमाम वेबसाइट पर, न्यूज क्लिक पर, तमाम जगहों पर, लेकिन आज जो स्टोरी आई है उसने सभी स्टोरीज को न केवल स्टेब्लिश किया है बल्कि कुछ नए पहलू भी उजागर किए हैं। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर इस स्टोरी की एथेंस की प्रामाणिकता पर, इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह अगर सरकार को है तो उसे क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बातें आंकड़ों की रोशनी में आई हैं कि 40% ज्यादा रकम रफाल को दी गई है, इसी तरह ऑफसेट जो पार्टनरशिप थी उसमें भी तमाम तरह की इस तरह की अनियमितताएं की गई हैं जो भयावह हैं, लेकिन सरकार इस बारे में न संसद को बताने को तैयार है, न जनता से शेयर करने को तैयार है। ये है इस सरकार का जुमला कि वो भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्त कर देगी। मोदी सरकार ने इसी तरह जितनी संस्थाएं भ्रष्टाचार के जांच के लिए हैं उनको जेबी संस्थाएं बना दिया, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, अब एक लोकपाल। लोकपाल का मसला तो इतना हास्यास्पद है, लोकपाल 2013 में बन गया था लेकिन लोकपाल आज तक नहीं बनने दिया गया। सरकार जब आई थी तो कहा गया कि लोकपाल बन जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तेज हो जाएगी, सारे भ्रष्टाचारी खत्म कर दिए जाएंगे, ईमानदारी का डंका पीटेगा, राम राज आ जाएगा। लेकिन लोकपाल 5-7 पूरे होने जा रहे हैं, आज तक लोकपाल नहीं बना। क्यों नहीं बना? अभी हाल में जब इलेक्शन नजदीक था तो एक कमेटी बनाई गई, सर्च कमेटी। सर्च कमेटी जो बनाई गई, बड़ी दिलचस्प बात है कि सर्च कमेटी का अनाउंसमेंट तो हो गया लोकपाल के उम्मीदवारों के लिए कि कौन कौन इसमें रह सकते हैं और उसमें से हम एक लिस्ट बनाएंगे, लेकिन सर्च कमेटी को न तो टेबल मिली, न कुर्सी मिली, न स्टाफ मिला, न जगह मिली कि वो कहां बैठ करके सर्च करे। ये है सर्च, रिसर्च को ध्वस्त कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के संस्थानों को ध्वस्त कर रहे हैं, और सर्च कमेटी जो अपनी बनी है लोकपाल के लिए उसको काम ही नहीं करने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कॉमन कॉज नाम की जो एनजीओ है, जो संस्था है, उसने जब फिर पिटीशन डाला कि भाई ये क्या हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि फरवरी के आखिर तक इस चीज को सामने ला दिया जाए, तत्काल उन लोगों को बैठने की जगह दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए, स्टाफ मुहैया कराया जाए। तो ये हाल है। सीबीआई का हमने देखा, सीबीआई की जो विश्वसनीयता खत्म कर डाली सरकार ने, संस्था की पोल तो पहले से खुली हुई थी, सब लोग मानते थे कि संस्था में जो भी सरकार रहती है वो अपने ढंग से इसको यूज करती है, जिसको चाहती है उसको फंसाती है, जिसको चाहती है उस पर केसेज हटाती है, लेकिन इस सरकार ने तो कमाल किया। पहले वो लाए कि किस तरह से उनका आदमी वहाँ विशेष पहले डायरेक्टर बने, स्पेशल डायरेक्टर बने, और फिर जैसे ही आलोक वर्मा को हटाया जाए फिर उनको दे दिया जाए, लेकिन अब स्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं इलेक्शन पहले कि उन आस्थाना महोदय को भी बाहर जाना पड़ा जो इस सरकार के जो शीर्ष लोग हैं उनके बहुत वफादार माने गए थे। अब होगा ये कि दो पोस्ट खाली हो गई सीबीआई में, अब एक निदेशक, एक स्पेशल निदेशक, इन दोनों की जगह पर दो अपने वफादारों की तलाश में ये सरकार लग गई है। तो जुमले जो इस तरह के रहे हैं वो भयावह हैं। ये जुमलों वाली सरकार ने इस बार एक और काम किया है इन 5 सालों में कि राजद्रोह को इसने इस तरह से लोगों पर इम्पोज किया है, इस जैसे कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी ना हमारी, वो भी शायद इस बड़े पैमाने पर नहीं करती थी, वो चुन चुन करके स्वाधीनता सेनानियों को पकड़ती थी। देखिए, हमारे देश में जो राजद्रोह का मामला है वो 124A जिसे कहा जाता है,
ये 1860 के उस अंग्रेजी कानून के तहत है जो 1870 में पूरी तरह कंप्लीट हुआ था। ड्राफ्ट इसका जो आया था वो कानून बन गया था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो स्वाधीनता सेनानी थे उनको अरेस्ट किया गया। 1891 में बंगोबासी मैगजीन के जो संपादक थे उनको अरेस्ट किया गया। इसके पहले 1870 के आसपास संभवतः सबसे पहले तिलक को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को यंग इंडियन में लेख लिखने के नाते वो भी एक लेखक के तौर पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 124A की तरह। उस 124A को जिसको भारत के संविधान में रखा ही नहीं गया शुरू में, और बाद के दिनों में चूंकि आईपीसी में ये कानून बरकरार रहा इसलिए क्योंकि इस पर डिबेट हुई थी संविधान सभा में, बकायदे लोगों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीसी में बना रहा और उसकी वजह से ये कानून मरा नहीं। इसको रियली भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा के बाद इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग कर 179 लोग अभी केवल आप देखिए 2014 से 2016 के बीच में गिरफ्तार किए गए हैं राजद्रोह के मामले में। 90% जो लोग हैं उन पर जो केसेस हैं वो शुरू ही नहीं हुई हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर उस हिसाब से 2014 से लेकर 2019 के जनवरी महीने तक, तो संभव है संख्या 250 हो गई हो, क्योंकि अगर इतनी भारी संख्या सिर्फ 2 साल में गिरफ्तार किए गए हैं लोग, तो आज अगर पूरा आंकड़ा, और चूंकि आंकड़ा हाल का है वो गृह मंत्रालय की तरफ से आया ही नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय 2 साल पीछे 3 साल पीछे रहता है इस तरह के, खासकर इस तरह के मामलों में। अब देशभक्ति के इस जुमले को देखिए, राजद्रोह के नाम, राजद्रोह, वे लोग देशद्रोही हैं जो राजद्रोह लगा रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों पर। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर, अनिर्बान पर, उमर खालिद पर, कन्हैया कुमार जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, इन सब पर राजद्रोह का मामला ला दिया। राजद्रोह के इसके पहले जो मामले लादे गए हैं वो बहुत सारे एक्टिविस्ट पर लादे गए हैं, ऐसे एक्टिविस्ट जो समाज के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, जो लिखते पढ़ते हैं। पिछले दिनों अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप देखें महाराष्ट्र में सोमा सेन को, सुधीर धावले को, सुरेंद्र गार्डलिंग को, महेश राउत को, सुधा भारद्वाज को इसके बाद, और वरवर राव, अरुण फरेरा सहित अनेक लोग, गौतम नौलखा एक बहुत जाने माने पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता, नजरबंदी से वो मुक्त हुए तो उनको फंसाने की फिर कोशिश हो रही है। इधर मशहूर लेखक और दलित मामलों के जानकार आनंद तेल तुमड़े की घेराबंदी की कोशिश जारी है। लिखने पढ़ने वाले लोगों को राजद्रोही साबित करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ शुद्ध क्रिमिनल्स को सरकारी पद दिए जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव के एलानिया कसूरवार संभाजी भिड़े और मिलिंद एक बोटे को कोई छूने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उन्हें अपना श्रद्धेय बताते हैं। इससे काफी पहले मालेगांव, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, बेंगलुरु सहित अनेक इलाकों में भगवा ब्रिगेड से जुड़े लोग आतंकी गतिविधियों में देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते या किसी की हत्या की योजना बनाते पकड़े गए। गौरी लंकेश की हत्या के कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए, कुछ पुणे में हथियारों के जखीरे के साथ पकड़े गए हैं। और इस वक्त जब मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूं तो अभी अभी खबर मिली है, और वो ये कि कल थाने में, वहां पर अनेक जगहों पर छापेमारी हुई है और 170 से ज्यादा बंदूकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी पकड़ा गया है, जिसके पास विस्फोटक थे, छुरे थे, तलवारें थी। अब ये तलवार और छुरे कहाँ इस्तेमाल होते हैं हम सब जानते हैं। बहुत सारे लोग इन तमाम समस्याओं और चुनौतियों का हल सिर्फ 2019 के चुनाव में खोज रहे हैं। मेरी उनसे विनम्र असहमति है, ये सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश को आज एक मजबूत मानवाधिकार आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि संघ संरक्षित मौजूदा सरकार ने हमारे सिस्टम और समाज का बहुत हद तक क्रूरताकरण किया है। अनेक निर्णयकारी लोगों के दिमागों में जहर और आंखों पर अज्ञानता का भगवा चश्मा डाल दिया है। न्याय तंत्र गरीबों और उत्पीड़ितों और मौजूदा सत्ता के आलोचकों को लगातार निराश कर रहा है। आज का ये सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है, और इस सच को हमें स्वीकारना होगा कि न्याय तंत्र पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। मुझे लगता है कि हमारे अपने देश की जनता को इस जुमलेबाज सरकार के बारे में ही नहीं केवल सोचना है, बल्कि समाज के बारे में भी सोचना है कि इस सरकार ने जिस तरह समाज के अलग अलग निकायों में, अलग अलग खानों में, अलग अलग समाजों में जिस तरह का जहर खोला है, जिस तरह का जहर डाला है, कैसे उसको एक डेमोक्रेटिक
हेल्दी सेकुलर सोसाइटी के रूप में हम वापसी करें और एक बेहतर समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। नमस्कार।